दोस्तों आज भारत वो भारत नहीं रहा जो कभी 20 साल पहले का भारत हुआ करता था, जो छोटी सी छोटी चीज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करता था। आज भारत फाइटर जेट बनाने से लेकर न्यूक्लियर मिसाइल बनाने और यहाँ तक कि मंगल ग्रह तक अपने दम पर पहुँचने की ताकत रखता है। इसलिए अब हम अपनी वीडियो में भारत के हर उस कार्य को आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में जानकर आपको भारतीय होने पर गर्व होगा। आज का यह वीडियो डिफेंस से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हाँ ये वीडियो भारत के तरक्की से रिलेटेड है, भारत के विकास से संबंधित है। दोस्तों आज भारत ने जापान जैसे देश को भी पीछे छोड़ दिया है और लिस्ट में उससे ऊपर जगह बना ली है। भारत के ऑटोमेकर्स ने एक इतिहास रचने वाला काम कर दिया है। जिस तरीके से भारत की कार की डिमांड बढ़ रही है उसको देखते हुए आने वाले समय में भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी कई बड़े रिकॉर्ड बनाने वाला है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए ऑटो मार्केट में तीसरे स्थान पर अपनी जगह बना ली है। पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर अमेरिका और अब तीसरे नंबर पे भारत आ चुका है और इस क्षेत्र में भारत अपनी पकड़ को मजबूत करता ही जा रहा है। ऑटोमोबाइल $3 trillion की काफी बड़ी इंडस्ट्री है और इसके जरिए कई लाख लोगों को रोजगार मिलता है। भारत ने जिस तरह का काम किया है उस चीज से यह तो साफ हो जाता है कि आने वाले समय में भारत अमेरिका और चीन को पछाड़कर पहले स्थान पर आ जाएगा। इसके अलावा भारत नई तकनीकों पर अपनी पकड़ को बनाता ही जा रहा है जिसका तोड़ दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। रॉकेट साइंस से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने में भी भारत ने कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत को छोटे से छोटे चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। दरअसल दोस्तों जापान की कार कंपनी टोयोटा मोटर्स ने अपनी इंडियन सब्सिडरी के साथ मिलकर हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली एक कार टोयोटा मिराय पेश की है। बीते कई दिनों से इसे लेकर लोगों के बीच गजब का जिज्ञासा बना हुआ है। खुद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इस कार को भविष्य की कार बता चुके हैं। असल में ये एक इलेक्ट्रिक कार ही है, लेकिन इसे चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वह इसमें लगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल से जनरेट होती है। ये फ्यूल सेल वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन और इसके ईंधन टैंक में भरे हुए हाइड्रोजन के बीच केमिकल रिएक्शन कराकर बिजली पैदा करती है। केमिकल रिएक्शन से इन दोनों गैसों में मिलने वाली पानी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसी इलेक्ट्रिसिटी से कार चलती है, जबकि इसमें लगी पावर कंट्रोल यूनिट एक्स्ट्रा बिजली को कार में लगी बैटरी में स्टोर के लिए भेज देती है। इस कार को फ्यूचर कार इसका एमिशन सिस्टम बनाता है। कार को चलाने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो केमिकल रिएक्शन होती है उससे बनने वाली भाप या पानी ही इस कार के साइलेंसर से बाहर निकलता है। साथ ही इसमें थोड़ी गर्मी भी होती है। इस तरह यह कार वातावरण में बिल्कुल भी प्रदूषण का स्तर नहीं बढ़ाती। टोयोटा मिराय के बारे में कंपनी का दावा है कि यह हाइड्रोजन से एक टैंक फुल कराने के बाद 650 किलोमीटर तक जा सकती है। हालांकि इस कार के नाम एक ईंधन के साथ 1359 किलोमीटर चलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये कार 172 BHP की मैक्सिमम पावर और 407 न्यूटन का पीक टॉर्क जनरेट करती है। दोस्तों आम तौर पर एक सोडान कार में 40 लीटर की कैपेसिटी का फ्यूल टैंक होता है। ऐसे में अगर पेट्रोल की कीमत ₹100 भी मान ली जाए तो फुल टैंक कराने पर करीब ₹4,000 का खर्च आता है, जबकि एक सोडान कार औसतन 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। इस हिसाब से आपकी कार चलाने का खर्च प्रति किलोमीटर ₹5 बैठता है। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक देश में हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन पर ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत ₹430 से लेकर ₹495 प्रति किलोग्राम और ब्लू हाइड्रोजन की कीमत ₹420 से लेकर ₹455 प्रति किलोग्राम तक हो सकती है। इस हिसाब से टोयोटा मिराय का टैंक ग्रीन हाइड्रोजन से फुल कराने में करीब ₹2800 और ब्लू हाइड्रोजन से करीब ₹2500 का खर्च आएगा। एक बार के फुल टैंक में गाड़ी अगर 600 किलोमीटर भी जाती है तो प्रति किलोमीटर गाड़ी चलाने का खर्च ₹4 से लेकर ₹4.50 तक आएगा। इस तरह ये गाड़ी चलाने में सस्ती होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी बढ़िया होने वाली है। टोयोटा मिराय वर्ष 2014 से ही इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद है। इसके 2022 मॉडल की कीमत $49,500 से शुरू होती है। अगर इसे भारतीय रुपए में देखें तो करीब 37.5 लाख रुपए इस कार की कीमत बैठती है। अगर कंपनी इंडियन मार्केट में इसे सीधे कंप्लीट बिल्ड यूनिट के तौर पर लाती है तो इसकी कीमत लगभग दोगुना हो जाएगी। वहीं अगर इसे हिंदुस्तान में बनाया जाता है तो ये दाम बेहद नीचे आ जाएंगे। और इसी को देखते हुए ये जिम्मा अब भारत ने टाटा ग्रुप को दे दी है। टाटा इस कार का निर्माण भारत में ही करेगा और इसमें अमेरिका की कंपनी ने भी टाटा के साथ हाथ मिलाया है, जिसके साथ मिलकर भारत
ग्रीन एनर्जी से चलने वाले इंजन को तैयार करने जा रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो आने वाले समय में पूरी दुनिया में इस तरह के इंजन की डिमांड काफी ज्यादा रहेगी। जिस तरह से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, सभी देश इसी इंजन वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए भारत ने इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा कदम अपनाया है। ऐसा करने से भारत को कई फायदे होंगे। पहला, भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर राज करेगा, और दूसरा कि यह कार भारत की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा बूस्ट देगा। दोस्तों, क्या भारत अमेरिका और चीन को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पीछे छोड़ पाएगा, और क्या टाटा इस इंजन को बनाने के लिए बेस्ट कंपनी साबित होगी? क्या लगता है आपको, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।